सोच में है कि इस बार ओलंपिक्स होने वाला है या नहीं। ऐसे में ऐसे कई प्रदर्शन हुए हैं भारत के खिलाड़ियों की तरफ से ओलंपिक्स में, जो इस बार के ओलंपिक्स के लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन बन सकता है। आइए देखते हैं ऐसी एक लिस्ट जो आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह बन सकती है। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, यानी लिएंडर पेस का वो ब्रोंज मेडल। एक ऐसे टूर्नामेंट में आना जहां पर किसी ने आपसे उम्मीद नहीं की थी कि यार मेडल आएगा, एक ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट की तरह आना जहां पर कोई सोचा भी नहीं था कि आप उनको हराएंगे, ऐसे टूर्नामेंट में ऐसे बड़े स्टेज पे लिएंडर पेस ने इंडिया को दिलाया टेनिस में पहला ब्रोंज मेडल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया था ब्रोंज, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट है विच इज नोन फॉर इट्स पावर, और एक पावरफुल स्पोर्ट में एक महिला वो भी भारत की तरफ से आके रिप्रेजेंट करना बहुत ही बड़ी बात है, और ओलंपिक्स की इस स्टेज पे कर्णम मल्लेश्वरी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तीसरे पायदान पे है लंदन ओलंपिक्स, जो भारत की परफॉर्मेंस लंदन ओलंपिक्स 2012 में रही वो अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी तक इंडिया को किसी भी ओलंपिक्स में 2 या 3 मेडल से ज़्यादा नहीं मिले, पर 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ा और 6 मेडल्स के साथ वापसी की। ये परफॉर्मेंस एक ऐसी आगे की स्पिरिट दर्शाती है कि इंडिया 2 या 3 मेडल से कहीं बेटर ला भी सकता है और डिजर्व भी करता है। नंबर 2 पर है पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता, और वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय शटलर बनी। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस अचीवमेंट के बाद हर एक बच्चा सिंधु का नाम बखूबी जानता है, और इस अचीवमेंट ने कई ऐसे यंग बैडमिंटन प्लेयर्स को इंस्पायर किया है और उन्हें ये हौसला दिलाया है कि चाइना और जापान के अलावा भी भारत उस ओलंपिक पोडियम में बैडमिंटन जैसे गेम में खड़ा हो सकता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर आप 2008 के उस गोल्ड मेडल को नहीं भुला सकते जो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में जीता था, और वो है हमारा नंबर 1 मेमोरेबल मोमेंट जो कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भुला सकता। वो एक ऐसा मोमेंट है जो सभी भारतीयों को ये हौसला दिलाता है कि यार ब्रोंज तो बहुत आए, सिल्वर तो बहुत आए, पर हम गोल्ड जीतने के भी लायक हैं, और अभिनव बिंद्रा ने हमें उस पायदान पे रखा कि हाँ इंडिया शूटिंग या किसी भी स्पोर्ट में ओलंपिक गोल्ड डेफिनेटली जीत सकता है। जहाँ पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में और बहुत सारी सैडनेस है ऑल अराउंड यू, ऐसे में ये वीडियो, ये मोमेंट्स इंडियन कैंप को एक ऐसा हौसला दे सकते हैं कि हाँ आने वाले ओलंपिक्स में हमें इनकी तरह प्रदर्शन करना है और इंडिया का नाम और रोशन करना है। क्या इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया? अगर हाँ तो इसको डेफिनेटली शेयर कीजिए, और अगर नहीं तो क्या पता किसी और को इंस्पायर कर दे, तो शेयर करना मत भूलिएगा एंड डेफिनेटली हिट द लाइक बटन।